हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप हेड क्लीन करके प्रिंटर में आ रही लाइनिंग प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिंटर की कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही वीडियो में। तो प्रिंटर में आने वाली पहली प्रॉब्लम ये है कि जब कभी आप फोटोकॉपी करते हैं तो उसमें या तो कुछ भी नहीं आता है, और आता है तो लाइनिंग सी आती है। तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है जब कभी हम फोटोकॉपी करते हैं तो स्याही गहरी नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, इसकी हम फोटोकॉपी करके देखेंगे कि इसकी फोटोकॉपी कैसे आएगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सही करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको एक पेचकस की और एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम इस ढक्कन को खोलेंगे और फोटोकॉपी करने के लिए एक बार इस बटन को दबाएंगे। जैसे ये बीच में आ जाएगा हेड, हम इसे बंद कर देंगे ताकि ये बीच में आ जाए। ये हमारा बीच में आ चुका है, हमने पावर ऑफ कर दिए। अब हम इस हेड को बीच में ले आएंगे ताकि हमें इसे खोलने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नट है, स्क्रू है। हम स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोलेंगे। तो चलिए हम इसे खोल देते हैं। इसे हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि ये आसानी से खुल जाए। ये हमारा स्क्रू है जो खुल गया है, हम इसे रख देते हैं साइड में। इसके ऊपर ही एक ढक्कन लगा हुआ है, हम इस ढक्कन को भी खोल देते हैं। अब हम इस हेड को फिर से यहाँ पर लेके आएंगे। अब हम इन ढक्कनों को एक चाबी की हेल्प से खोलेंगे। तो इसके लिए एक चाबी लेंगे और यहाँ पर इसके पीछे एक स्विच लगा रहता है, हम इन स्विचों को आगे की तरफ करेंगे। जैसे कि ये 1, 2, 3 और ये 4। अब हम इनको उठाएंगे सावधानी पूर्वक। पहले इससे पहले हम इन नलकियों को भी हटा लेते हैं यहाँ से। इन नलकियाँ हम सावधानी पूर्वक हटा लेंगे। हमने नल की हटा लिए, अब हम इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे सावधानी से। ये देखिए ये आ चुकी है। इसी प्रकार हम एक और को भी खोलेंगे, ये चारों को खोल लेंगे। ये चारों खुल चुकी हैं। इन डब्बियों में स्याही नहीं होने की वजह से हमारा प्रिंटर प्रिंट नहीं कर पाता है और ना ही गहरी स्याही दे पाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए हम एक इंजेक्शन लेंगे, और इंजेक्शन की हेल्प से आपको ये छेद दिख रहा होगा, इस छेद में हम इंजेक्शन लगाएंगे इस प्रकार से। और हम इसे खींचेंगे, जैसे हम इसको खींचते हैं स्याही इसके अंदर आ जाएगी। ये देखिए ये स्याही इसके अंदर अच्छी तरीके से भर चुकी है। अब हम इस स्याही को इस डब्बे में डाल देंगे ताकि हम इसे फिर से यूज ले सकें।
अब हम इसको दोबारा से लगा देते हैं। इसी प्रकार हम इसे भी करेंगे। बची हुई तीनों डब्बियों में शाही बिल्कुल फुल भरी हुई है, तो हम इनकी शाहियों को नहीं खींचेंगे। आप इसी प्रकार से इनकी शाहियों को इंजेक्शन की हेल्प से खींच लीजिएगा। यदि इंजेक्शन चार हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी हो तो आप इंजेक्शन को साफ करके तब ये काम कीजिएगा। अब हम फिर से इनको वैसे के वैसे लगा देंगे। ये लाइन वाइज से लगाएं, सबसे पहले ब्लैक, फिर ये वाला, सबसे पहले ब्लैक, फिर येलो, फिर मैजेंडा, और इसके बाद आसमानी। अब हमें इनकी नलकियों को भी सावधानी पूर्वक बेसिक वैसे लगा देंगे, पहले किस तरह। हमने चारों नलकियाँ लगा दी हैं। अब हम इसके ढक्कन को लगाएंगे। जिस प्रकार से खोला था उसी प्रकार से ढक्कन भी लगा देंगे। हमने ढक्कन लगा दिया है, अब हम इसके स्क्रू को भी कस देंगे। हो गया, अब हम इसे फिर से कस देते हैं। इसे सावधानी पूर्वक कसें। हमने ये कस दिया है, अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसकी पावर ऑन कर देंगे। हमने ये पावर ऑन कर दिए। अब हम इसका एक बार हेड क्लीन करेंगे। हेड क्लीन के लिए ये कोने कोने वाला बटन दबाएंगे। कुछ देर प्रेस करके रखेंगे, हमारा ये हेड क्लीन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस पूरी होगी, हमारा प्रिंटर सही हो जाएगा। जब ये लाइट जलना बुझना बंद कर देगी तो हमारा हेड क्लीन हो जाएगा। हमारी फोटोकॉपी मशीन तैयार हो चुकी है। अब हम फोटोकॉपी करके देखते हैं कि फोटोकॉपी आ रही है नहीं। ये देखिए, हमारी फोटोकॉपी मशीन एकदम सही हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।